वेलकम माय सोल फैमिली। देखते हैं आने वाले 72 आवर्स में, मतलब आने वाले 3 दिनों में आपकी एनर्जी कैसे रहेगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, मतलब जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगा उसके आगे के 3 दिनों के लिए ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी। ऑल साइन, ऑल जेंडर्स और ऑल रिलीजन्स के लिए ये रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। उम्मीद करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये रीडिंग से मदद मिलेगी। मैं रीडिंग अभी शुरू करती हूँ। आज मैं अपने हैंडमेड डेक से रीडिंग करने वाली हूँ, तो मैंने डेक को अच्छे से शफल करके बॉटम ऑफ द डेक साइड पे निकाल लिया है और पूरे डेक को रैंडम पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। कलेक्टिव एनर्जी 3 ऑफ कप्स की है, मतलब आने वाला साल आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन लेके आएगा। आप किसी नेगेटिव साइकिल या नेगेटिव सिचुएशन से क्लियरली मूव ऑन कर लोगे। आपकी विश यहाँ पे फुलफिल होते हुए दिख रही है। कोई कार्मिक साइकिल, कोई डर आप खत्म करके आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत की तरफ आप बढ़ने वाले हो। 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को मैं क्लेरिफाई करूंगी। देखते हैं इसके नीचे कौन सा कार्ड आया है इसके क्लेरिफिकेशन के लिए। आपको कोई इमोशनली डोमिनेट कर रहा है तो आप वहां से मूव ऑन करोगे। खास करके कोई फेमिनाइन एनर्जी होगी तो यहाँ पे डिटैचमेंट की एनर्जी है। आप इमोशनली विड्रॉ कर लोगे, डिटैच हो जाओगे। देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है। आप किसी मेंटल या फिजिकल ट्रैप में फंसे हो तो वहां से निकलने के लिए लक आपका साथ देगा। आप अपनी इल्यूजन से बाहर निकलोगे और अपने डर को ओवरकम करोगे, जिसकी वजह से आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। 8 ऑफ सोर्ड्स के नीचे हैंगमैन का कार्ड था, मतलब आप जहां भी अटके हो, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये दिखा रहा है कि वहां से आप निकलोगे और बहुत सक्सेसफुली निकलोगे। यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत समय से आप प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए दिख रहे हो ये ट्रैप सिचुएशन से या कोई नेगेटिव साइकिल को खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे आपको सक्सेस भी मिलेगी और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। द फूल के कार्ड को क्लेरिफाई करते हैं। ये नया साल आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कंप्लीशन लेके आएगा। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपके सारे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग को सक्सेस मिलेगी और आपकी इच्छा पूरी होगी। लव लाइफ में आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा मिस करने वाले हो और उनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी फील करोगे। देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स के लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस भी करोगे और हो सकता है जो लोग कॉन्टैक्ट में है तो वहां पे एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की एनर्जी है। जो कपल एक दूसरे से दूर है, सेपरेशन में है या ब्रेकअप सिचुएशन में है तो वहां पे एक कम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है, पॉजिटिव जेस्चर एक दूसरे की तरफ कर सकते हो। आने वाले 3 दिनों में आपको कोई फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, कोई एप्रिसिएशन भी आपको मिल सकता है। द स्टार को क्लेरिफाई करते हैं। आने वाले 3 दिन में आप अपने लव लाइफ में कोई क्विक एक्शन ले सकते हो, जिसकी वजह से यहाँ पे रियूनियन की एनर्जी ऑलरेडी निकल के आई है। तो एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिल सकता है, मतलब सेपरेशन आपका खत्म हो सकता है। आने वाले 3 दिन में आप अपनी विश पूरी करने के लिए कोई क्विक एक्शन या क्विक डिसीजन ले सकते हो, जिसका आउटकम सक्सेस होगा और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन यहाँ पे आएगा, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। आज का रीडिंग मैं यही खत्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये साल का मेरा ये लास्ट रीडिंग है। मिलते हैं कल नए साल में नए रीडिंग के साथ। कीप ड्रीमिंग एंड स्टे होपफुल फॉर टुमारो।
हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, हैव अ ग्रेट न्यू बिगिनिंग। कल तक के लिए अलविदा।